झूठ कमजोरी आपकी होगी, शैतान आपको उसी चीज में मार देगा। अगर आपकी कमजोरी आपका पैसा है तो आपको वो बीमार नहीं करेगा, अगर आप बीमारी के कारण रुकते हो तो शैतान आपको बार बार बीमार करेगा। मैंने थर्सडे भी लोगों को बताया था, ये मंडे भी, शैतान हमेशा आपको उस चीज में मात देगा जिस जो आपकी कमजोरी है। हो सकता है आपकी कमजोरी आपकी प्रार्थना हो सकता है आपकी कमजोरी खुदावंद की हजूरी में लेट आने की है, हाँ हो सकता है आपकी कमजोरी आपका भीस बोना भी हो सकता है, हाँ आपका गंदा देखना भी हो सकता है, ये कमजोरी होती है। हो सकता किसी की कमजोरी किसी का फोन हो सकता है, कमजोरी अलग एक ही जैसी नहीं है, अलग अलग प्रकार की। किसी का पति नशा करता उसकी कमजोरी वो हो सकता, कोई किसी की कमजोरी उसके बच्चे हो सकते हैं, हमेशा ही उसी चीज को लेकर वो डिस्टर्ब होते हैं। समझ आ रही है? और जिस चीज की आपकी कमजोरी है शैतान हमेशा आपको उसी मात में मात देगा। कितनों को समझ आ रही है? गर्दन आज ऊपर रखो अपनी। मैंने कहा जिस चीज की आपको जो आपकी कमजोरी है, मैंने कहा जिस चीज की आपको कमजोरी है हमेशा आपको, अगर आप 20 बोने में कमजोर हो तो आप उसी चीज में आपको मात देगा। अगर आप प्रेयर में आपकी प्रेयर आपकी होती नहीं है तो आपको उस चीज में मात देगा। आप प्रेयर करने में बड़े जोधा हो, बहुत प्रेयर करते हो रोज की 4-5 घंटे, पर अगर कोई आपको हल्का जब भी कुछ बोले, कोई बात समझाने के लिए बोले तो आप गुस्सा आग बबूला हो जाते हो, तो आपकी कमजोरी प्रेयर नहीं है, फिर वो है। इसलिए सबकी कमजोरी अलग अलग है। जो कमजोरी आपकी होगी शैतान आपको उसी चीज में मात देगा। अगर आपकी कमजोरी आपका पैसा है तो आपको वो बीमार नहीं करेगा, अगर आप बीमारी के कारण रुकते हो तो शैतान आपको बार बार बीमार करेगा। समझ आ रही मेरी? मैंने कहा कि अगर आप बार बार बीमार होते हो तो शैतान आपको बीमार ही करेगा, क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आप ढीले पड़ जाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम के कारण आप प्रभु की हजूरी में नहीं आ सकते। इसीलिए मैंने आज तक शैतान की ऐसी कोई बात को अपने जीवन में पूरा होने नहीं दिया जिसमें वो मुझे अपनी कमजोरी का क्या बनाए, पात्र बनाए। मैं आज तक शैतान की किसी बात का शिकार नहीं बना, उसकी कमजोरी का, कि हाँ उसने हाँ मेरे जीवन में हालात खड़ा कर दिया, हाँ ये हालात खड़ा कर दिया, वो कर दिया, तो मैं उस पर मन लगाऊं, मैं ध्यान लगाऊं और अपनी बुद्धि लगाकर सोचना शुरू करूं। कई लोग ऐसे ही करते हैं, वो परमेश्वर के पास नहीं जाते जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, जो मुर्दों को भी जी उठाने की शक्ति रखता है, जो आस भी अंधों को दिखाता और लंगड़ों को चलाता है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो आस भी वो चंगा करने की सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, जब कमजोरी किसी की बनती है तो उसमें फंसा रहता है। इसलिए लोग कमजोरी के कारण कई बार इस चर्च में कभी उस चर्च में हमारे पास भी आते हैं। इसीलिए मैं हर संडे वीरवार पूछता हूं कौन लोग नया आया है, क्योंकि जब काम नहीं होते वर्ड की सच्चाई और नहीं होती, जहां आत्मा की भेद की बातें खुदावन का रूह उसका आत्मा काम नहीं करता, वो आपके लिए नहीं बोलता, तो वहां पर प्रजा लिखा जहां पर ज्ञान होता वहां पे प्रजा सुख पाती है। ये नीति वचन कहोता की पुस्तक में ऐसे लिखा सुलेमान के द्वारा कि जहां पे ज्ञान होता वहां की प्रजा सुख पाती। यहां पे एक फैमिली बैठी, उनकी गवाही देंगे आपको, जल देंगे साथ से वह प्रभु में, दोनों पति पत्नी इतने डिस्टर्ब थे सालों से, मैंने एक ही वर्ड दिया, ये संडे की बात है, एक ही वचन सर्व दिया, अरे एक ही वचन से उनकी लाइफ चेंज होगी, एक वचन से। जहां पे प्रजा ज्ञान होता वहां प्रजा सुख पाती। इसलिए लोग जहां नहीं होता तो वो कभी इस चर्च में कभी उस चर्च में कभी उस चर्च में, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। इसलिए मैंने आज सबको समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका उसकी अज्ञानता है। क्या है उसकी? उसकी अज्ञानता है। अगर आपके अंदर ज्ञान हो तो आपको पता है परमेश्वर की आज्ञा जय है। बोलो क्या है? परमेश्वर की आज्ञा ये है।